मीडिया दर्शन और मैं हूँ आपके साथ अंजलि तिवारी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और हर जगह महिलाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए और सम्मानित करने के लिए सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। महिला हर किसी के जीवन में है, हर पुरुष के जीवन में माँ के रूप में, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में और पत्नी के रूप में सबके जीवन में महिला है। बहुत सारे लोग महिला का सम्मान करते हैं, कुछ लोग महिला को अलग ही नजरिए से देखते हैं, लेकिन सच्चाई है कि महिला ही सबके जीवन में एक ऐसी स्त्री होती है किसी भी रूप में जो उनके जीवन को बहुत ज्यादा सक्सेस बनाती है। हमारे साथ जुड़े डिप्टी कलेक्टर, ये एक युवा लड़की है और एक महिला भी है। ये परिस्थितियों को समझती है क्योंकि ये एक पोस्ट पे काम कर रही है। काम करने के दौरान इन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये क्या सोचती है आगे आने वाली महिलाओं के बारे में, हम इनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मैम। आप इस पोस्ट पे बैठी हुई है, इस पोस्ट पे पहुंचने से पहले कितने सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? बीइंग अ गर्ल दिक्कत तो होती ही है, लाइक आपको हर एस्पेक्ट में अगर आपको बाहर निकलना है तो प्रॉब्लम होती है। आपको अपना कॉलेज, स्कूल, हर एक तरीके से जो एक नॉर्मल किसी भी लड़की को फेस करना पड़ता है वो तो फेस करना ही पड़ा है। बट हाँ, कुछ वैसा स्पेसिफिक नहीं फेस करना पड़ा है, इस मामले में मैं काफ़ी लकी हूँ। कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा आपके जीवन में जो हर समय आपको मोटिवेट किया? क्योंकि लड़की है, जब आप बाहर निकलती होंगी तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो खुद को हर्ट करती है, लगता है कि आप बस नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा आपके जीवन में जो हर समय आपको मोटिवेट किया और बोला कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए? मेरे पापा, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। कभी भी ये फील नहीं हुआ आज तक कि लड़की और लड़के में डिफरेंस है। मेरे भाइयों में और मेरे में कभी उन्होंने डिफरेंस नहीं किया, तो आई एम लकी टू हैव हिम। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। आप पापा को मानती हैं जो आज यहाँ बैठी हो सक्सेस के पीछे? पापा हाँ। मैम, ऐसा भी होता है कि जब लड़कियाँ फर्स्ट टाइम घर से निकलती हैं कॉलेज जाने के लिए या लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहती हैं कि मैं बेहतर कर सकती हूँ, तो बहुत सारे रिलेशन में लोग होते हैं, आसपास में लोग होते हैं जो पैर खींचते हैं, बोलते हैं तुमसे ये नहीं हो सकता, तमाम तरह की बातें भी बनती हैं। कुछ बॉयज भी ऐसे हैं जो अलग ही कॉमेंट करते हैं जो कि सुन के भी पता लगता है, और बहुत सारे लोग भी ऐसे लाइफ में जुड़ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? गेट अ लाइफ, नहीं कहूँगी उन्हें अपने लाइफ से, अपने खुद के काम से मतलब रखना चाहिए और दूसरों के लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर खुद के लाइफ में फोकस करेंगे हो सकते कुछ अच्छा अचीव करें, दूसरों के लाइफ में फोकस करेंगे तो कुछ होगा नहीं। मैम, आप क्या सोचती हैं महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना क्यों जरूरी है? दो रीज़न मैं सोचती हूँ कि ज़रूरी है। एक तो कि महिलाओं से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारा कंसर्न है, वो रेज होना चाहिए, वो उठना चाहिए, वो लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ प्रॉब्लम्स है। ऐसे ही देखा जाता है, लोग आराम से कह देते हैं कि महिला पुरुषों को डिफरेंस नहीं है, बट महिलाओं को ही पता होता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। आप बाहर जाते हो, आपको वॉशरूम की प्रॉब्लम होती है, आपको फील्ड में जब जाते हो या कहीं भी क्लास जाते हो, कोचिंग जाते हो, आप कहीं भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो। इन्हीं छोटी छोटी रीज़न है बट प्रॉब्लम तो होती है। तो एक पहला रीज़न ये है कि महिलाओं का से रिलेटेड जो भी कंसर्न है उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है, और दूसरा कि महिलाओं ने जो अचीव किया है उसे सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है। मैम, बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी हैं, बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जो आपके पोस्ट पे आने के लिए अभी भी तैयारी कर रही हैं, उन्हें भी लग रहा है कि मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। बहुत छोटे घरों से भी ऐसी कुछ लड़कियां हैं जो बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। परिवार भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं बाहर के माहौल को देख के कि ठीक नहीं है, छोटे वर्ग के लोग हैं तो हम ज़्यादा लड़ नहीं सकते लोगों, तो ऐसे फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वास रखिए अपनी बेटी पर। विश्वास आप रखेंगे तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद जब आप उसको अवसर देंगे तो वो आपका नाम ऊंचा करेगी, तब जो जिस परिस्थिति में आप रहे हो सकता है कि वही आपकी उस परिस्थिति को चेंज करे। तो डू ट्रस्ट योर डॉटर, मैं यही कहना चाहूँगी। मैम का कहना है कि बेटियों पे भरोसा रखे, उन्हें एक मौका दे अपने आप को समाज में एक अलग पहचान बनाने का, और बेटियों पे भरोसा रखे कि अगर बाहर कुछ गलत हो रही है तो वो अपने आप को स्ट्रांग बना सकती है और उस परिस्थिति से लड़ सकती है। मैम, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की जब कुछ बड़ा कर जाती है तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं या फिर उसे लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, कहीं टाइम भी मिस्टेक होता है, लड़कियों में ऐसा भी लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो तो मुझे इज्जत नहीं दे रही हो, बहुत सारी समस्याएँ हो जाती है, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी परिवार है तो परिवार, दोनों परिवार के दो पहिए होते हैं। अगर महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और ईगो कहीं भी नहीं आना चाहिए। बेसिकली ईगो की वजह से ही ऐसा होता है कि परिवार टूट जाता है, वो नहीं आना चाहिए। और हमेशा बराबर पार्टिसिपेट
करना चाहिए आपके जो फैमिली का जो इकोनॉमी है उसको मेंटेन करने में जो जो खर्चे हैं वो बराबर शेयर करना चाहिए। तो इससे मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है तो हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम मैंने कहा था कि हर पुरुष के जीवन में एक महिला है, लेकिन महिला बहुत अच्छे पोस्ट पे हो तो भी उन्हें उस तरह का दर्जा नहीं दिया जाता है। हमेशा पुरुष समझते हैं कि ये हमसे नीचे ही है और हमेशा नीचे ही रहेगी, हमेशा उसको टॉर्चर किया जाता है या हर बात में एक अलग ही टोन रहता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा महिलाओं को तकलीफ़ होती है। वो सोचती है कि इतना करने के बाद भी शायद मेरा स्थान वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसको लेके क्या कहिएगा? पर्सनली मैं कहूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है अब तक, हालांकि मेरा करियर अभी बहुत शॉर्ट है तो मैं नहीं कह सकती कि आगे क्या होगा, बट पर्सनली ऐसा नहीं हुआ है। और बाकी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी महिला ने कोई रैंक अचीव किया है, किसी जगह पहुँची है, तो वो अपनी मेहनत से पहुँची है। उसने पुरुष, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसने ज़्यादा मेहनत की है, बट हाँ थोड़ा संघर्ष तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा सोशल प्रेशर झेलने के बाद महिला पहुँचती है वहाँ पे। बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लासेस जाने में, कोचिंग करने में, हर तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, उसके बाद वो पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अगर उसको मौका दिया जाता है तो बेटर मैनेज करती है। तो गिव हर अ चांस, मैं ये कहूँगी। मैम एक नज़रिए की बात होती है, जब लड़की बाहर जा रही है तो अगर आप फ्रेंड के साथ जा रही हैं, भाई के साथ जा रही हैं, तो उसका भी नज़रिया चेंज हो जा रहा है। आजकल का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, कपड़े के ऊपर भी, लड़कियों के ऊपर भी, स्टाइल पे भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऐसा लगता है कि लड़कियों को शायद जीवन जीने का उस तरह का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर लड़की कुछ आगे बढ़ जाती है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है, लगता है कि नहीं मैं सुंदर बन सकती हूँ, बाहर निकल सकती हूँ, तो इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए जैसा आप बता रही हैं, मतलब पर्सनली मेरे साथ ऐसा कुछ फेस मैंने नहीं किया है, बट अगर ऐसा है, लोग ऐसा विचार रखते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपके घर में भी एक बेटी है, एक बहन है, माँ है, तो आप उनका रेस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है कि आप जिस नज़र से किसी और की बेटी, किसी और की बहन को देख रहे हो, आपके परिवार की लड़की को कोई और उस नज़र से देख रहा हो, तो इस चीज़ को चेंज करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप अपना मुख्य समय हमारे चैनल के साथ व्यक्त किया। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मैम ने बताया कि अगर किसी की बेटी के साथ आप कमेंट करते हैं या किसी के घर की भी लड़की हो, आप ऐसा शब्द यूज करते हैं जो कि उसे सुन के भी बुरा लगता है, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपके घर में भी बेटी है, वो भी कहीं बाहर जाती है, कुछ काम करती है, पढ़ाई ही करती है, तो कुछ और लोग भी उस पर कमेंट करते हैं या ऐसे ही अपशब्द बातों का यूज करते हैं, तो उसे भी तकलीफ़ होता होगा। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ का असर है कि आप किसी की बेटी का इज्जत नहीं करते हैं, तो शायद आपकी भी बेटियों को उतना इज्जत मिल नहीं पाता है। धन्यवाद। बाकी के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।